ये साल मेरे को सबसे अच्छा गेम लग रहा है फुकरा इंसान का और एल्विश यादव का। अब लोग बोलेंगे आमिर की कंट्रोवर्सी हुई थी एल्विश यादव के साथ, तो आमिर एल्विश को क्यों सपोर्ट कर रहा है? आप लोग को एंटरटेन करने के लिए मैं बहुत सारा मिर्च मसाला दूंगा, ये गारंटी है। आशिका की तरह मैं नहीं करूंगा कि जाके एल्विश से हाथ मिला के सॉर्ट कर लिया। तो आमिर पे बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में, कैसे हैं आप, क्या कुछ चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। अभी रिसेंटली एक डायग्नोस्टिक सेंटर मैंने थाने सिटी में खोला, क्योंकि मेरे फैमिली में सब डॉक्टर्स है। मैं भी डॉक्टर बनने वाला था बट मैंने छोड़ दिया बिकॉज ऑफ दिस फेम इंडस्ट्री। बोलते किस्मत जहाँ लेके जाती है इंसान वहाँ जाता है, बट कुछ करना था मेरे को ह्यूमैनिटी के लिए और मेरे लोगों के लिए, थाने सिटी के लिए। तो मैंने एक डायग्नोस्टिक सेंटर ओपन किया जहाँ पे कम रेट्स में लोग अपना सोनोग्राफी, ECG, एक्सरे एंड ऑल, ये सारी फैसिलिटीज़ अपन प्रोवाइड कर रहे हैं उनको। तो एक छोटा सा था मेरे तरफ से लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। जी भाई, मैं बोलूँगा कि आर्टिस्ट ना दो तरीके के होते हैं। ये जो बड़े बड़े एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स या यूट्यूबर्स, सब लोग को मिलजुल के काम करना चाहिए क्योंकि हम लोग सब एंटरटेन करने के लिए। बट वो बोलते हैं ना कि डेली सोप या इंडस्ट्री में ना दो तरीके के लोग होते हैं। एक जो यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स को सपोर्ट करते, प्यार देते, सिखाते कि तुम और आगे बढ़ो, ये करो, और एक होते जो जलते कि इनके पास इतना ऑडियंस कैसे, इन लोग इतना पैसा कैसे बना रहे। तो बोलते ना कुछ लोगों को बोलते ना किसी की तरक्की हजम नहीं होती है, दे कांट गलपेट। तो अब उनके लिए क्या ही बोले, अल्लाह उनको हिदायत दे, समझाए, उनको दिमाग दे। आप किसके सपोर्ट में हैं इस सीजन में? ये साल मेरे को सबसे अच्छा गेम लग रहा है फुकरा इंसान का और एल्विश यादव का। अब लोग बोलेंगे आमिर की कंट्रोवर्सी हुई थी एल्विश यादव के साथ, तो आमिर एल्विश को क्यों सपोर्ट कर रहा है? वो कंट्रोवर्सी, वो चीज़ें बाहर जब वो आएगा तब देखेंगे, बट अभी उसका गेम बहुत अच्छा लग रहा है। वो बोलते हैं ना वन मैन आर्मी, आके उसने फुकरा को भी सपोर्ट किया, एक दोस्ती का मैसेज दिया। प्लस उसने वो बोला था ना डायलॉग कि मेरा दोस्त 100% गलत हो, 10% गलत हो, मैं तो मेरे दोस्त की साइड दूंगा। तो अपना नेचर वैसा है, तो अपन उसको रिलेट किए, तो वो बातें मेरे को अच्छी लग रही है एल्विश की, और एल्विश को बहुत सारा प्यार। मैं एल्विश यादव को ही सपोर्ट करूँगा क्योंकि अपन वही लोग हैं ना कि जो है सो है, जगह पे देख लो। तो मैं उसको ज़्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ ये चीज़ों में, तो उसको सपोर्ट करेंगे अपन। जी हाँ, पहले बात तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, वो बंदे का कंटेंट ही वही था जो पहले से करे आ रहा था। तो तुम लोग ने या तो उसको बिना देखे बुला लिया था या कोई कांटेक्ट से बुला लिया था, और अगर देख के बुलाया था तो तुमको मालूम रहना चाहिए था कि वो बंदा यही करने वाला था। और उसको जो पब्लिक सपोर्ट मिला है और चीज़ें हुई, अभी जैसे फुकरा इंसान को रैंक 1 आया था उसको नीचे कर दिया, पुनीत सुपरस्टार को रैंक 2 आया था उसको नीचे कर दिया, आकांक्षा को एंटर नहीं किया बाद में, ये सारी चीज़ें। तो मेरे को एक टाइम गेम समझ में नहीं आया OTT वाला, कि पहले बोला कि जनता का व्यू, जनता का ओपिनियन, तो जो जनता बोल रही थी तुमने उसके अगेंस्ट जाके सारी चीज़ें किया। और पुनीत सुपरस्टार का मेरे को थोड़ा गलत लगा कि उसको बुलाया कौन सी चीज़ के लिए, वो इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे सालों से यही कर रहा था, मौत का खेल, ऐसा वैसा, चाटे ही चाटे। तो तुम लोग जब उसके चाटे ही देख रहे थे तो अंदर चाटे क्यों नहीं खा रहे थे भाई? डिटर्जेंट पिला दिया। तो अब तुमने स्टार्ट में बोला कि पुनीत ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ये कर रहा है, अब जिया ने किया उसको डिटर्जेंट वाला पानी पिला दिया, तो ये भी गलत है आई गेस। फिर इसको भी शायद डिटर्जेंट वाले पानी से इतना बॉडी को हार्म नहीं होगा, बट अगर टॉक्सिफिकेशन हो गया अंदर और अगर कुछ हो जाता है एल्विश को, तो हु इज़ गोना बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? तो ये भी एक मारो या फिर ऐसी चीज़ें हरकत करो, जान लेने पे ही हो गया ना, तो ये गलत है। मैं तो नहीं सपोर्ट करूँगा इस चीज़ को। यूट्यूबर्स को काफ़ी अप्रोच किया जा रहा है, हाँ अभी ध्रुव राठी की भी खबरें आ रही हैं, क्या कितना एक्साइटिंग होगा आपका कैरी मिनाटी उभर के अंदर? अगर कैरी मिनाटी आएगा तो भाई फिर मैं तो डंके की चोट पे जाऊंगा, वो तो मालूम है सबको। अगर अभी मालूम है, अगर कैरी आएगा तो सब लोग एक्सपेक्ट करेंगे आमिर सिद्दीकी सामने हो उसके। तो वैसे तो हम लोग को पता नहीं कि जब आमना सामना होएगा तो क्या होएगा, या तो दोस्ती होगी या तो झगड़े होंगे, बट हाँ आप लोग को एंटरटेन करने के लिए मैं बहुत सारा मिर्च मसाला दूंगा, ये गारंटी है। आशिका की तरह मैं नहीं करूँगा कि जाके एल्विश से हाथ मिला के सॉर्ट कर लिया, बट एक तरीके से अच्छा था यार कि दोस्ती किया, एक अच्छा मैसेज दिया, बट लोगों को थोड़ा मिर्च मसाला भी देना चाहिए था दोस्ती के साथ, जो आशिका तुमने नहीं दिया, इसके लिए आई एम नॉट सपोर्टिंग यू, सॉरी। वो बोलते हैं ना कुछ लोग पैसे के पीछे भागते हैं, कुछ लोग फेम के पीछे भागते हैं, आमिर आज़ादी के पीछे भाग रहा है, और जब आज़ादी मिलेगी तो आज़ादी के साथ जो काम मिलेगा वो भी कर लेंगे। सो हे गाइस, दिस इज आमिर सिद्दीकी एंड यू आर वॉचिंग मी स्टारलेट एंटरटेनमेंट। थैंक यू।